नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। अलग अलग मुद्दे को लेकर सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिसको विपक्ष सदन में उठाकर सरकार को घेरने में जुटी है। ऐसे में ताज़ा मामला बिहार के मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी से जुड़ा हुआ है। एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुकेश सहनी को पहुंचना था सरकारी कार्यक्रम में, लेकिन मुकेश सहनी तो नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने भाई को ही भेज दिया। इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। मंत्री मुकेश सहनी का इस्तीफा, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सदन में मांग रही है। आरजेडी की ओर से विधायक भाई वीरेंद्र ने जमकर सवाल दागे, साथ ही कहा कि आखिरकार कैसे सरकारी कार्यक्रम में मंत्री ने अपने भाई को भेज दिया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जरा सबसे पहले देखिए किस तरीके से भाई वीरेंद्र सवाल कर रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस पर संज्ञान लेंगे। जरा सबसे पहले आप देखिए। अरवल जिला के प्रसादी इंग्लिश से 10 नंबर रजवा श्री अरुण सिंह पढ़े नहीं है सर। महोदय उनको आप सुन रहे थे, महोदय आप उनको सुन रहे थे। अरवल जिला के प्रसादी इंग्लिश से 10 तीनों ने मेरे पास अभी अखबार की प्रति भेज दी है, इसको हम देख रहे हैं। मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये आश्चर्यजनक। मैं तो पूरी बात करूंगा, क्या मामला है जरूर देखूंगा। ये काम किसी मंत्री का नहीं है, ये काम किसी, अरे भाई आप यू ही क्यों अभी बोल रहे हैं, हमको मालूम नहीं, मालूम हुआ अभी बात करेंगे। ठीक, ये आपने नोटिस लाया है, ये बात अखबार में छपा और ये बात अगर सही है तो आश्चर्यजनक है, ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बात करेंगे। श्रीमती भागीरथी देवी, तो मंत्री जी मुसीबत में फंस गए हैं, अपने भाई को सरकारी कार्यक्रम में भेजकर। मंत्री मुकेश सहनी को हाजीपुर में मत्स्य पालन विभाग की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना था, लेकिन मंत्री तो नहीं पहुंचे, उन्होंने अपने भाई संतोष सहनी को ही मंत्री बनाकर भेज दिया। अपने प्रतिनिधि के रूप में भेजा था, लेकिन अब विपक्ष सवाल पूछ रही है सरकार से, तो सरकार की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही जवाब दिया है सीएम ने, और सीएम ने कहा है कि वो इस पर संज्ञान लेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।